मेरे जो फैंस है, जो मेरे डायरेक्टर्स है, आई थिंक ऑल ऑफ देम आर इन्वॉल्व्ड एंड उनकी वजह से मैं वर्सेटिलिटी दिखा सकता हूँ, क्योंकि मुझे वो सही लोगों का सपोर्ट है. मैं एक अलग जॉनर ट्राई करता हूँ तो भी माई फैंस दे लिसन टू इट विद ऑल देयर हार्ट्स. मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि एक आर्टिस्ट अपने दिल से गाना बनाए. वर्सेटिलिटी आई एम जस्ट इट्स हैपनिंग. 10th स्टैंडर्ड के बाद 16 साल की उम्र में मैंने अमर मोहिले जी, सलीम सुलेमान, संदीप चौटा इन सब बहुत ही प्रोलिफिक बड़े कंपोजर्स को असिस्ट किया. 23 या 24 साल की उम्र में मुझे याद है मैं एक एल्बम कर रहा था मेरे भाई अरमान, एंड उसमें से एक दो गाने थे जो सलमान सर को बहुत पसंद आए, एंड आई वॉज शॉक्ड कि ना मुझे जय हो ऑफर हुई. मेरी एक धुन इस फिल्म रॉय में सिलेक्ट हुई, विच वॉज सूरज डूबा, और सुपर सक्सेस होने से मुझे एज अ म्यूजिशियन बिलीव हुआ, और मैंने म्यूजिक का साथ नहीं छोड़ा और म्यूजिक ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, एंड आई एम हियर. बट म्यूजिक कंपोज करना मेरा पहला प्यार है, और मुझे लगता है कि आई वॉज बॉर्न टू डू दैट. कि मैं अगर म्यूजिक नहीं करता तो मैं पता नहीं क्या करता लाइफ में, मुझे म्यूजिक के अलावा कुछ नहीं आता. एंड उसमें एक अलग खुशी है कि आप यू नो एक अकेली जगह पे बिना कुछ इंस्ट्रूमेंट भी जब एक धुन आपके पास आती है वो फीलिंग ही कुछ और है. तो आई थिंक पहले म्यूजिक फिर सिंगिंग एंड लिरिक्स. मैं मेरा पहला ड्राइविंग फोर्स तो म्यूजिक ही है लाइफ में, एंड उसके बाद मुझे लगता है मेरे जो पापा है रब्बू मलिक, तो उनके जो प्रति मेरा प्यार है, रिस्पेक्ट है, वो एक चीज़ है जिसकी वजह से मैं म्यूजिक में हमेशा मेहनत करता हूँ. मैं कभी भी कोई भी सॉन्ग को ऐसे नहीं करता, मैं पूरे दिल लगा के करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आई एम मेरे पापा का रिप्रेजेंटेशन हूँ मैं. तो मुझे हमेशा ऐसा गाना बनाना है जिससे मेरे पापा प्राउड हैं. सबसे एक्साइटिंग चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि दिस इज जी ओनली, कि मैंने जी का जो सारेगामा पा का एंथम है After 25 years, इस साल होने वाले, and मैं एक beautiful एक tribute दे रहा हूँ to the golden years, which is going to be the new anthem सारेगामा पा. And थोड़ा एक अपने fans के लिए इस साल मैंने कोशिश की है कि मैं काफी सारे और गाने बनाऊँ जो non film music हो, and वो मुझे देखेंगे in music videos from this coming year. I'm going live along with this beautiful NGO Magic Bus, and we are going to be performing some beautiful songs. I'm going to be singing. मुझे blessed feel होता है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं लोगों को अपने संगीत से you know इस time में थोड़ा सुकून दिला सकूँ, थोड़ी खुशी दिला सकूँ. हमें उन लोगों के लिए सोचना चाहिए जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, who are standing in the front line for us, वो doctors हो, nurses हो, army officers हो, police officers हो, you know हर एक इंसान इसमें अगर effort डाले, you know, साथ में हम जुटे रहे, and we don't give up hope. I think इस पूरे pandemic से हम बहुत ही सफलता से बाहर निकल सकते हैं.